हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ पैर का ब्लीच हम कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, पैर का कितना कलर है, किस टाइप से है कलर, और लास्ट में वीडियो में देखिएगा कि इनका पैर का कलर कितना चेंजिंग हुआ है ब्लीच करने से मसाज। तो ठंड ख़त्म हो जाने के बाद सभी लोग को टाइम हो, इच्छा हो तो मसाज करनी चाहिए और ब्लीच करनी चाहिए, पैरों को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच करने से बहुत ज़्यादा रिंकल हो यहाँ पैर में भी हो जाती है, स्क्रेच वगैरह और जितनी डस्ट वगैरह रहता है वो सब भी रिमूव करता है और एक कलर निखार करता है, एक अलग सा ग्लो चमत्कार लाता है पैरों। तो देखिए इस तरह से अभी पैर का कलर है, और जब लास्ट पे मसाज करने के बाद आप देखिएगा कि कितना पैरों में चेंजिंग हुआ है। तो पैर में ब्लीच करने से लिए किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए फ्रेंड, पैर में ब्लीच रख करने में खास बात का ध्यान ये रखना है कि फेस के तुलना में पैर का स्किन हार्ड होता है, तो हम एक्टिवेटर डबल मिलाएंगे फेस के तुलना में। ब्लीच में एक्टिवेटर हाथ हो या पैर हो, स्किन हार्ड होता है तो एक्टिवेटर ज़्यादा मिलाएंगे, और एक्टिवेटर मिला देने के बाद अच्छे से पैर को क्लिनिक मिल्क से क्लीन कर लेना चाहिए, और उसके बाद पैर पे ब्लीच करना चाहिए। फेस के तुलना में टाइमिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लीच रखने का फेस में तो हम 10 से 15 मिनट भी रखते हैं तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन पैर का कलर आने के लिए हम 20 से 25 मिनट रखेंगे, और जब 20 से 25 मिनट हो जाए तो उसे हटाएंगे ब्लीच पैर का, और ब्लीच हटा लेने के बाद हम स्क्रब से मसाज करेंगे, और फिर स्क्रब साफ कर देने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर, हमने इसमें अयूर का मॉइस्चराइजर यूज किए हैं, और उसे हम लगा के छोड़ेंगे। फेस के तुलना में थोड़ा कम मसाज करते हैं पैर में, बट मसाज भी लास्ट में ज़रूर करिएगा। स्क्रब से मसाज हो जाने के बाद लास्ट में आयुर का मॉइस्चराइजर से हम मसाज करके छोड़ेंगे, और देखिएगा कि पैर का कलर, देखिए हम ब्लीच कंप्लीट हो गया तो हमने पैर का ब्लीच हटा रहे हैं, तो पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है ब्लीच करने के बाद, जितनी भी डस्ट वगैरह रहता है सभी साफ क्लीन हो जाता है, और ये हम ब्लीच हटा रहे हैं। ब्लीच हटाने के बाद अब हम स्क्रबिंग मसाज करेंगे, अच्छे से मसाज हो जाएगा, उसके बाद हम मॉइस्चराइजर आयुर का इस्तेमाल किए हैं उसे लगा के हम छोड़ेंगे, तो देखिएगा कि कितना कलर चेंज हुआ। देखिए अभी हम ये स्क्रब कर रहे हैं, ये स्क्रब हम आयुर का लिए हैं, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और देखिए कितना कलर में चेंजिंग हो गया सिर्फ ब्लीच करने के बाद। अब इसे हम स्क्रब से 10 मिनट रफली मसाज करेंगे, और जब अच्छे से मसाज हो जाए तो फिर हम मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ेंगे। और ये फ्रेंड्स कस्टमर हैं, कस्टमर के पैर पर मैंने ब्लीच किए हैं, और ये कस्टमर खुद बोलती हैं कि वीडियो बनाइए, क्योंकि ये जानती हैं इनका वीडियो फेसियल का, ब्लीच का, और पहले भी सेकंड चैनल पर आ चुका है, मेरा थर्ड चैनल है उस पर भी इनका फेस के साथ मसाज का आया है वीडियो छोटा सा, लेकिन अभी पूरा फेसियल का ब्लीच का आएगा, और ये अपनी मर्जी से इन्होंने वीडियो बनाने बोले हैं, और ये जब टाइम इनको मिलेगा तो इनको मैं साथ में हम लेके आएंगे चैनल पर, और ये आप लोग से बातें करेंगे और बताएंगे, और इनका फेस के साथ आप लोग भी बात कर सकते हैं इनसे, तो ये आएंगी कभी मेरे चैनल पे तो मैं आप लोग को साथ बताऊंगी कि इन्हीं का मैंने, और आप फेस के साथ इनको देखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे आप सुभा सिन्हा ब्यूटी पे आप ज़रूर इनका फेसियल का वीडियो देखिएगा, अभी तो नहीं आया है बट आएगा, और आप लोग को पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और देखिएगा लास्ट में कि कितना अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से हम पैरों को मसाज करेंगे, आपको अभी भी फर्क पता चल रहा होगा कि देखिए कितना चेंजिंग हुआ है पहले की तुलना में इनका कलर। और फ्रेंड्स एक बात और है कि मैं ऐसे कस्टमर का वीडियो नहीं बनाती, बट इन्होंने सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, कस्टमर हैं, फ्रेंड हैं, और ये बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं, और इन वीडियो खुद का बनाते हैं, बोले कि बना लीजिए भी, तो मैंने इनका वीडियो बनाए हैं और डाले हैं, तो देखिए कितना अच्छा पैरों का कलर आया है। तो इस तरह से आप पैर का क्लीन करना चाहते हैं, ब्लीच करना चाहते हैं,
तो ब्लीच और मसाज जरूर पैर को करें बदलते मौसम में, तो देखिए कितना कलर चेंज होता है। यदि कलर भी फेयर करना चाहते हैं तो एक बार ब्लीच जरूर करें और फर्क नज़र आपको सामने आएगा, बशर्ते कि ब्लीच में एक्टिवेटर का मात्रा सही तरीके से मिला, अन्यथा नहीं समझ में आता तो पार्लर में जाके कराइए, क्योंकि पैर और हाथ में फेस के तुलना में स्किन हार्ड होता है, तो एक्टिवेटर का जो मात्रा होता है वो सही से मिलना चाहिए। और देखिए ये फाइनल है पैर का, तो हमने ये लास्ट में देखी कितना अच्छा कलर आया है इनका पैरों का, तो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स इस कस्टमर को पैरों। यदि देखना चाहते हैं इनको फेस के साथ तो ज़रूर सेकंड चैनल पर आप लोग देखिएगा, आने वाला है वीडियो इनका, तो आप लोग को पसंद आया नहीं आया बताइएगा, और कैसा लगा पैर का इनका कलर पहले के तुलना में अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माई डियर, फुल इंजॉय।